वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ रोड ब्लॉग सजय वंस अगेन। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफ रोड ब्लॉग सजय। तो आज हम हमारे पास आई हुई है स्कॉर्पियो एन, एक हमारे भाई हैं, तो नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। हमारे ग्रुप से ही है, खलेरा नाइट्स ग्रुप से, और फर्स्ट कार है उनकी दिल्ली में, जो फर्स्ट उनको डिलीवरी मिली है। गाड़ी की अगर स्टार्टिंग से बात करूँ तो यहाँ पे ये ग्रिल जो है सिमिलर है पहले वाली जैसी, लेकिन इसमें लोगो चेंज है और कुछ चेंजेस है। जैसे ये क्रोम में है बिल्कुल पूरा, ठीक है, क्रोम में देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये क्रोम में। और अगर मैं हेडलाइट पे हूँ तो हेडलाइट सिमिलर पुराने जैसी लग रही है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। जैसे इसमें DRL इसके दिए हुए हैं प्रोजेक्टर, दोनों अलग अलग प्रोजेक्टर, लो बीम और हाई बीम दोनों अलग दिए हुए हैं। बम्पर पे अगर हम आते हैं, बम्पर के इस पार्ट पे अगर हम आते हैं, पुरानी में आते थे इतना ही वाइड होता था, लेकिन अब इसमें एक DRL पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, और उसके साथ ही अपना फॉग लैंप भी दिया हुआ है प्रॉपर, और एक ये जो आता है ये वाला अपना एक्स्ट्रा एसेसरीज का पार्ट है, ये एक्स्ट्रा कंपनी प्रोवाइड कर रही है इस एसेसरीज को। और उसके बाद अगर जैसे बोनट पे आते हैं, बोनट पे पुरानी स्कॉर्पियो में जो आता था हमारा एयर इंटेक स्कूप भी आता था, वो एयर इंटेक स्कूप इसमें से हटा दिया गया है, जो कि थोड़ा पहले वाली गाड़ी को थोड़ा बल्की लुक देता था, थोड़ा हल्क वाली फीलिंग देता था। मिरर्स पे हम आते हैं तो मिरर्स काफ़ी वाइड कर दिए गए हैं, साइड में अपने को ब्लिंकिंग वाला सिस्टम है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा नैरो पार्ट लग रहा है। अब टायर की प्रोफाइल पर अगर आते हैं, जैसे पुरानी वाली में आता था, जैसे ये जो अपने साइड वाले जो इंडिकेटर आगे दिए हुए हैं, यहाँ पर इंडिकेटर जो है इसके यहाँ पे हैं अभी, पहले क्या होता था कि यहाँ पे इंडिकेटर आते थे, तो अब इंडिकेटर यहाँ से हटा के वहाँ पे कर दिए गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब डिफरेंट क्रिएट कर रहा है। और पहले स्कॉर्पियो की बैजिंग यहाँ पे आती थी पहले, अब यहाँ पे स्कॉर्पियो की कोई बैजिंग नहीं है। मैट फिनिश में बिडिंग देखने को मिल रही है अपने को, और पूरा ये शुरू से लेके एंड तक ऐसे ही कवर किया हुआ है पूरा। और डोर हैंडल की मैं बात करूँ तो ये पूरा क्रोम में दिया हुआ, और ये सेंसर वाला है, कीलेस सेंसर जिसको बोलते हैं। यार जैसे मैं अब गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ पे अपने फुट स्टेप दिए हुए हैं, और यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, बाकी ग्रैब हैंडल की पोजीशन यहाँ पे होती थी बाकी गाड़ियों में, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बैठता हूँ तो बिल्कुल मतलब इजीली बैठ रहा हूँ, और मेरी पूरी हाइट 6 फुट है। मैं एक बार दोबारा उतर के भी दिखाता हूँ आपको, अगर मेरे को उतरना है गाड़ी से तो मैं ऐसे डायरेक्टली उतर सकता हूँ, मेरा मतलब हेड भी टच नहीं हो रहा कहीं पर। अगर दोबारा मैं आपको बैठ के दिखाऊँ, ये मैंने यहाँ पर अपना पैर रखा और ईजिली ये देखिए मतलब हल्का सा उधर हो गया, बिल्कुल ईजिली मैं बैठ पा रहा हूँ। और अभी आ जाते हैं हम इसके अंदर, तो अंदर आने के बाद जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 4 व्हील ड्राइव लो गियर रेशो, और 4 व्हील ड्राइव हायर गियर रेशो,
ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये आपको लोगो नजर आ रहे होंगे, अभी लोगो का मैं फंक्शन आपको दिखाता हूँ कि ये लोगो किस वजह से और क्या चीज़ है। अभी मैं यहाँ से आपको ये घुमाऊंगा और वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अभी ये एक्टिवेट हो गया, मड रट मोड एक्टिवेटेड, मतलब मड में स्लश में आप कहीं पे गाड़ी चलाना चाह रहे हो, आप कहीं मड वाला रास्ता आ गया, कहीं स्लश वाला रास्ता आ गया, तो वहाँ पे आप इस मोड को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर दूसरे मोड पे हम आते हैं तो ये अपना आ गया ग्रास ग्रेवल स्नो मोड एक्टिवेटेड, मतलब आप ग्रास पे चल रहे हो, स्लिपी एरिया है, स्नो में आप चल रहे हो, ऐसी कंडीशन में आप ये मोड एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आगे आते हैं तो ये अपना नॉर्मल मोड, अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, हाईवे ड्राइव कर रहे हो, तो ये अपना नॉर्मल मोड एक्टिवेट हो जाता है। और एक मोड और बाकी रहता है, वो और दिखाता हूँ मैं आपको। और अब ये हो गया बिल्कुल सैंड मोड एक्टिवेट, अगर आप डेजर्ट में कहीं गए हुए हैं, डेजर्ट में आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, तो उस हिसाब से आप ये सैंड मोड एक्टिवेट कर सकते हो। और अब यहाँ पे अगर फोर व्हील लो में अगर लगाता हूँ मैं इसको, तो ये यहाँ पे अगर फोर व्हील ड्राइव और लो गियर रेशो, तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। XUV 700 में, और इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो जो डिफरेंस है सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो ऑल व्हील ड्राइव आती है, और इसमें जो मोड दिए हुए हैं, काफ़ी मोड दिए हुए हैं, किसी भी कंडीशन में आपको गाड़ी को चलाना है तो आप गाड़ी चला सकते हैं। अपनी सनरूफ पे आते हैं तो सनरूफ आपको पूरी पैरानोमिक सनरूफ नहीं मिल पाती है, और अगर इसमें से बात करते हैं, ये मैन्युअली आपको दिया हुआ है इसको पूरा कवर करने के लिए, और अगर आप ओपन करने की बात करते हैं तो ये अंदर की तरफ ही इसका वो दिया हुआ है, मतलब पूरी फास्ट है अगर बात करते हैं तो, ऐसा कुछ स्लो रिस्पॉन्स नहीं है। और एक मतलब इसका एप्पल कार प्ले दिया हुआ है इसमें, आप फ़ोन सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए एक माइक भी दिया हुआ है, और ये स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है, ट्वीटर्स इनको बोल सकते हैं, और यहाँ पे भी एक प्लेसमेंट दी हुई है अपने ट्वीटर्स की। और एसी वेंट की बात करें तो मतलब काफ़ी प्यारा कंसोल लग रहा है देखने में। अगर आर्म रेस्ट की बात करें तो आर्म रेस्ट भी काफ़ी मतलब सॉफ्ट है, और मतलब इजीली मैं बैठ पा रहा हूँ गाड़ी में। मतलब कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो जैसे बैक पेन और इन सब चीज़ों की दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत भी होती हुई कहीं नज़र नहीं आ रही है। और काफ़ी प्यारा मतलब बकेट फिटिंग वाले ये सीट कवर्स हैं, वेंटिलेटेड सीट जिनको बोलते हैं, वेंटिलेशन आप इनमें ऑन कर सकते हो। और वेंटिलेटेड सीट्स का काफ़ी फ़ायदा ये रहता है कि जैसे आप ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आपके नीचे कमर में पसीने आ, दिक्कत ख़त्म हो जाती है। पुश बटन स्टार्ट है ये अपनी, और यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट का फोकस एडजस्ट करने के लिए, जैसे आप हिली एरिया में जा रहे हैं और लाइट आपको ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए, तो ये बेनिफिट यहाँ पे भी मिल जाता है देखने को। USB पोर्ट आपको मिल जाता है, और एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ये जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिक्लाइन मोड है, जब आप हिल से नीचे उतर रहे हैं तो आपको इस मोड को एक्टिवेट करना है। अगर इसमें स्पीकर्स की बात करें तो सोनी की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, सोनी का एक यहाँ पे एक ये कंसोल दिया हुआ है आपको, एक पूरा बड़ा स्पीकर आपको मिल जाता है जिससे कि आप इजीली मतलब म्यूजिक का एंजॉय कर पाते हो। अगर सीट बेल्ट की मैं बात करूं तो सीट बेल्ट अपनी कुछ ऐसे दिए हैं, ऐसे पहन सकते हैं आप, और ये एक अच्छी चीज़ दी हुई है, शायद आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, बाकी भाई से पूछेंगे, अभी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ये काफ़ी महिंद्रा का इस पर मतलब देखने को आपको बैजिंग मिल जाती है। तो बाकी यार ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूं कंफर्ट लेवल की, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा कंफर्ट है गाड़ी का। अगर स्टेयरिंग कंट्रोल्स पे आप आते हैं तो स्टेयरिंग कंट्रोल पे वॉल्यूम अप एंड डाउन, नेक्स्ट और सीकिंग करने का, और ये क्रूज कंट्रोल भी इसमें मिल जाता है आपको। मैं अभी आपको पीछे आगे दिखाता हूँ, मैं पूरी 6 फुट की हाइट है और मैंने अभी पूरी पीछे अपनी सीट पूरी पीछे की हुई है। अब मैं एज इट इज़ पीछे आगे बैठ के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से अगर मैं आगे बैठता हूँ तो ईजीली मैं मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है मेरे को, मतलब अगर 4 बंदे गाड़ी में पीछे बैठे हैं तो आराम से ईजीली मैं ऐसे बैठ सकता हूँ। अगर मैं ऐसे बैठता हूँ तो थोड़ी दिक्कत मतलब ड्राइवर को भी फेस हो सकती है कि उसको पता लगेगा कि हाँ पीछे से पैर लग रहे हैं, लेकिन जरा सी अगर सीट आगे हो जाए, एक पॉइंट आगे हो जाती है तो पूरा कंफर्ट लेवल हो जाता है इसमें। अगर पीछे की सीट बेल्ट, जैसे आजकल मैंडेटरी हो गया सीट बेल्ट पीछे पहनना भी, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये सीट बेल्ट आप देख सकते हो पूरी प्रॉपर मतलब बढ़िया फिटिंग आ रही है। सीटें आगे पीछे करने का जैसे ये ऑप्शन है पूरा, इतनी ही सीट मैं पीछे कर पा रहा हूँ। और यहाँ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ का भी आप अपने हिसाब से टेम्परेचर जो स्पीड जो है वो यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको बंद करना है पीछे, आपको एसी की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। USB टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि आजकल C2C ही हो चुके हैं। इसी के पार्ट पे हम आते हैं, यहाँ पे आपको ये वही सेम सिल्वर
क्रोम में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है ये, और इसको अगर आप ऐसे खोलते हैं तो कुछ ऐसा सा व्यू पीछे आ जाता है। ये हमारी चीज़ें रखी हैं तो माइंड मत करना। अगर पीछे सीट की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस नज़र आ रहा है पीछे बैठने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी म्यूज़िक सिस्टम जो स्पीकर्स हैं उनकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। पीछे भी आपको यही सेम सीट बेल्ट मिल जाती है, जैसे कि मैंडेटरी हो चुका है सीट बेल्ट पहनना। तो बाकी ऑल एंड ऑल गाड़ी परफेक्ट लग रही है उस हिसाब से। इसको बंद करते हैं तो ईजीली बंद हो जाती है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और पीछे अपना एक वाइपर मिल जाता है। और पीछे अगर बम्पर पर हम आते हैं और जो लाइट है वो बिल्कुल चेंज है, और जो अपनी पुरानी शेप में ही जो स्कॉर्पियो भी आ रही है उसमें भी सेम इसी पैटर्न में लाइट्स आ रही हैं जो अपनी टेल लाइट है। और अगर बैक बम्पर की बात करते हैं तो यहाँ पे शायद सेंसर देखने को हमें मिल जाते हैं, चार सेंसर इसमें आई थिंक दिए हुए हैं। और अपनी बैक लाइट जो है काफ़ी चेंज है, क्रोम का पूरा ये वहाँ से वहाँ तक पूरा दिया हुआ है, तो काफ़ी मतलब लुक को एनहेंस कर रहा है। और ये भी शायद एसेसरीज का ही पार्ट है, राइट। तो फोर एक्सप्लोरर ये एक आपको अच्छी बैजिंग देखने को मिल जाती है, और एक अपना ये स्कॉर्पियो एन का पूरा बढ़िया बेहतरीन नज़र आता है। और अगर टायर प्रोफाइलिंग लास्ट हमारा रहता है टायर प्रोफाइलिंग, तो टायर प्रोफाइलिंग की अगर हम बात करें तो कंपनी अभी हमने दे रही है वांडरर, और अपना ये MRF का टायर दे रही है। और अगर इसकी टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ 255/60R18 18 इंच का एलॉय, 18 इंच का टायर जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है, 18 इंच का जो एलॉय है ये अभी। और फ्रंट रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक और डिस्क पैड देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसकी फुट रेस्ट की बात करूँ तो फुट रेस्ट अगर थोड़ा सा और बाहर होता है, लेकिन गेट खुलने के बाद तो ये काफ़ी अच्छा है, जैसा कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे पैर रख के बैठता हूँ ईजीली आराम से, मतलब बिना किसी चीज़ से टच हुए आराम से बैठ सकता हूँ। जैसा कि जो हमारे ओनर भाई हैं, जो गाड़ी के ओनर हैं, उनकी भी हाइट मेरे सिमिलर ही है, तो उस हिसाब से बैठने में कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। सीट्स और अपना जो इंटीरियर का कलर है बिल्कुल मैच कर रहा है। सनरूफ से अगर एक बार निकलने को दिखाएं तो अभी मैं एक बार आपको सनरूफ से निकल के दिखाता हूँ। मेरी पूरी हाइट 6 फुट है, और देखते हैं यहाँ से एक बार विशाल दिखाएगा ये कैसा नज़र आ रहा है। मतलब सीटें अगर आप आगे कर लेते हो तो ईजीली, मतलब छोटे बच्चे और अपना हमारे जैसे थोड़ी दिक्कत होगी हम जैसे को, तो ऐसे अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत फील नहीं हो रही है खड़ा होने में भी। मैं वापस जाता हूँ अंदर। तो भाई चलती गाड़ी में तो थोड़ा मुश्किल है कि अगर आप थोड़े बड़े हो मेरी हाइट जितने हो, तो चलती गाड़ी में तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है कि हाँ आप सनरूफ से निकल करें। तो सेम जैसे हर गाड़ी में होता है, यहाँ पे राइट साइड में ऑलमोस्ट हर जगह हर गाड़ी में होता है। तो यहाँ से मैं करता हूँ अपना बोनट ओपन, और अब चलते हैं इंजन पार्ट की तरफ। तो अगर इसके जो ओपन करने का बटन होता है उसकी अगर हम बात करें तो ही कहाँ है, मतलब जैसे और गाड़ियों में होता है, जैसे ही ओपन होता है यहाँ डालते ही पता लग जाता है कि हाँ ये इधर लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा नीचे दिया हुआ इधर की तरफ। कंपनी ने इसमें एक चीज़ की कमी और भी छोड़ दी, अगर ये हाइड्रोलिक होते तो थोड़ा और ज़्यादा बेनिफिट इसका हमें मिल सकता था। और हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ काम की शुरुआत इसी से होती है। तो इंजन की अगर हम बात करें तो जो हमारा पहले इंजन आ रहा था तो उस हिसाब से थोड़ा हल्का लग रहा है। बैटरी आपको यहाँ पर प्लेसमेंट, बाकी चीज़ें बताने की तो ज़रूरत नहीं आई थी। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो 2.2 लीटर का इसका इंजन है, मतलब अगर वाटर वेंडिंग कैपेसिटी की इसकी बात करें तो 170 के आसपास, मतलब जो लगभग जो सेम गाड़ियों में सभी में आता है तो वो वाटर वेंडिंग कैपेसिटी है इसकी। तो बाकी इंजन इतना, जैसे पुराने जो इंजन थे अपने डीजल टर्बो इंजन, वो जितनी आवाज़ कर रहे थे उस हिसाब से ये इतनी आवाज़ नहीं कर रहा है, और अंदर बैठने के बाद भी आपको इतनी नॉइज़ या ऐसी कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है कि आपको ये लग रहा हो कि आप पता नहीं फॉर्चुनर जैसी और अपनी जैसे पुरानी स्कॉर्पियो जैसी SUVs में आप ड्राइव कर रहे हैं। मतलब आपको पूरा प्रॉपर लग्जरी फीलिंग आने वाली है इसमें। तो गियर लीवर थोड़ा सा, मतलब जैसा हम हार्डकोर जैसे फॉर्चुनर वगैरह चलाते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्मूथ है। अभी जैसे मैं बैठा हूँ, जिस शेप में मैं बैठा हुआ हूँ उस शेप में, उसके हिसाब से जैसे गर्दन में आजकल प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है, तो उस हिसाब से काफ़ी मतलब कंफर्ट महसूस हो रहा है। हॉर्न वगैरह की बात करूँ तो हॉर्न भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिबल है। तो यार जैसा कि अभी जैसे मैं बता रहा था आपको, ये है अपनी पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी, और लेफ्ट में आपको वॉशर फ्लूड जैसे विंडशील्ड कंट्रोल्स होते हैं वो मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में आपको। यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं हम, ये सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं
ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए और हिल मोड एक्टिवेट करने के लिए, और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और एक ये फोटो का कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये भी देखते हैं। SOS का एक ऑप्शन मिल जाता है अगर। तो पिलर्स की अगर मैं बात करूँ तो पिलर्स मतलब काफ़ी विजिबल हैं, और शीशे थोड़े हैवी लगते हैं, मतलब कि अगर पीछे का ही व्यू मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर राइट साइड में कुछ देखना है तो थोड़ा सा कम विजिबिलिटी है। मैनुअल डी मोड पे है, मैनुअल पे नहीं है, डी पे अभी इसको भगा के देखते हैं, तो विद इन अ सेकंड मतलब काफ़ी। और ब्रेकिंग की अगर बात करूँ तो ब्रेकिंग भी मतलब काफ़ी स्मूथ है। पुरानी स्कॉर्पियो में आता था कि भाई बबलिंग मार रही है, थोड़ा झोले टाइप, देसी भाषा में उसको बोले तो झोले मारना बोलते हैं। तो अभी अगर जैसे गड्ढों में चलाने की बात करूँ तो ये भी काफ़ी कम्फर्ट महसूस हो रहा है। बाकी विशाल बताएगा, विशाल पीछे अगर बैठा है तो कैसा महसूस हो रहा है पीछे? कंफर्टेबल सिटिंग एरिया है, प्रॉपर कंफर्टेबल। और आप पोजीशन देखो, मतलब मैं आराम से बैठा हूँ, अभी भी स्पेस काफी है यहाँ पे भी, और अगर स्पेशियस है गाड़ी भी। अगर मैं गड्ढों में चलाने की बात करूँ तो अभी गड्ढों में चलाने गड्ढे इतने फील हो ही नहीं रहे, गड्ढे इतने ज्यादा फील नहीं हो रहे, मतलब काफी कम्फर्ट। सस्पेंशन की अगर बात करें तो काफी कम्फर्ट महसूस हो रहा है। तो यार मैं मतलब स्टेयरिंग की मैं अगर बात करूँ तो स्टेयरिंग इतना कम्फर्ट है इसका कि बिल्कुल, मतलब ये देखो मैं अगर इसको उंगली से भी घुमा रहा हूँ तो उंगली से भी घूम रहा है, ये देखिए उंगली से भी अगर घुमा रहा हूँ तो उंगली से घूम रहा है, ठीक है। और इसका लगाते हैं रिवर्स गियर, और रिवर्स गियर में अगर कैमरा की हम बात करें तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, टू बी फ्रैंक में बताऊँ, क्योंकि अगर हम 30 लाख के सेकेंड में जा रहे हैं तो उस हिसाब से कैमरा हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि विजिबिलिटी बिल्कुल, और ये दिन का टाइम है और दिन के टाइम में आप क्लियरिटी देख सकते हैं, कुछ क्लियरिटी इस टाइप से है। बता रहा था कि जैसे अपना रियर कैमरा है, रियर व्यू, तो उस हिसाब से वैसा इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब इसमें देखो मोड भी चेंज हो जाते हैं, जैसे ये मोड चेंज करना, ये मोड चेंज हो गया, और ये अपना मतलब 360 टाइप ऑफ व्यू आ जाता है, ये इसमें मोड्स हैं, ये नॉर्मल पे आ गया अपना। तो अकॉर्डिंग टू मी मतलब एक दो चीज़ें हैं जो माइनर सी हैं, वो थोड़ी बहुत हो जाती है, जैसे मैंने आपको रिवर्स कैमरा दिखाया था। बाकी ऑल एंड ऑल ड्राइविंग कंफर्ट की बात करूँ, ड्राइविंग स्टेयरिंग की बात करूँ और ड्राइविंग स्टेबिलिटी की बात करूँ, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। और बाकी चीज़ें जो आपको अच्छी लगी हो तो वो आप कमेंट में करके हमें ज़रूर बताना, और कुछ सजेशन है तो वो भी आप ज़रूर बताना। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको सजेस्ट करूँ तो 10 में से 9.5 नंबर मैं इस कार को पूरे देना चाहूँगा। तो 0.5 जो है वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उन सब चीज़ों की होती हैं, और वो नेग्लिजेंस वाली चीज़ें होती हैं, वो इतना ध्यान देने की चीज़ें भी नहीं होती हैं। बाकी गाड़ी ऑल एंड ऑल इतनी परफेक्ट कार है कि मेरा भी मतलब ऐसा मन कर गया कि इन फ्यूचर मैं इसको प्लान करवा लें। तो यार इसी के साथ हमारा मतलब जो रिव्यू था वो पूरा हो चुका है, बाकी अगर कुछ सजेशन है आपका तो वो आप हमें दे सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, जो हमें बेस्ट लगा हम अपने तरीके से बेस्ट आपको बता पाए कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स कंपनी ने दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ की कमी लग रही है। फॉर्चुनर के साथ भी खड़ा करके देखा इसको, तो हमारे वाली फॉर्चुनर मतलब और ये स्कॉर्पियो दोनों सिमिलर लग रही हैं, लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ इसको नई जो फॉर्चुनर है, नई शेप वाली जो फॉर्चुनर आई हुई है उसके साथ अगर इसको खड़ा करते हैं तो पीछे से अगर देखते हैं तो पीछे से बिल्कुल जो अपनी फॉर्चुनर है वो बिल्कुल बच्चा लगती है इसके सामने, तो वो भी आपको दिखाएंगे इन फ्यूचर। और एक ड्रैग रेस भी हम कुछ टाइम बाद करेंगे, अभी तो जो हमारे ओनर साहब हैं उनको थोड़ा कहीं जाना है, और थैंक्स उनको दिल से इतना टाइम हमारे लिए निकालने के लिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।